नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में सरिया और सीमेंट की कीमतों में आई गिरावट। तमिलनाडु से बिहार वापस लौटी स्पेशल टीम ने कहा ये। बिहार में औद्योगिक विकास में यह जिला अव्वल। ईडी रेट पर बोले लालू यादव। आईपीएल के पहले मैच के टिकट की ऑनलाइन बिक्री शुरू। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सरिया और सीमेंट की कीमतों में आई गिरावट। अगर आप भी बिहार में खुद का अपना घर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि राज्य में अब सरिया और सीमेंट की कीमतों में गिरावट आई है, यानी कि अब घर बनाना भी लोगों के लिए सस्ता हो गया है। मालूम हो कि एक तरफ जहां सीमेंट की कीमत में 10 रुपए प्रति बोरी गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी ओर सरिया की कीमत में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि पहले गैर ब्रांडेड सरिया की कीमत 6500 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करती थी, जिसे अब घटाकर 6000 रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर बात ब्रांडेड सरिया की कीमत की करें तो ब्रांडेड सरिया की कीमत 7000 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे अब घटाकर 6500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर सीमेंट की कीमत की बात करें तो पहले सीमेंट की कीमत 350 रुपए प्रति बोरी थी, जिसे अब घटाकर 340 कर दिया गया है। वहीं अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के बाद इनकी कीमत में और भी गिरावट आ सकती है। तमिलनाडु से बिहार वापस लौटी स्पेशल टीम ने कहा ये। तमिलनाडु में बिहार मजदूरों पर हो रहे हिंसा की जांच करने को लेकर कुछ दिनों पहले बिहार से एक स्पेशल टीम तमिलनाडु गई थी। वहीं अब यह टीम बिहार वापस लौट आई है। बता दें कि टीम के सदस्य ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उनकी टीम के द्वारा तमिलनाडु जाकर जिला स्तर पर लोगों से बातचीत की और हालात की जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बिहारियों पर हो रहे हिंसा को लेकर जो भी वीडियो वायरल हो रहे थे वे सभी फेक है, उन सभी वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार गंभीर है और फर्जी वीडियो फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बिहार के 98 स्कूलों ने 754 विद्यालयों को लिया गोद। राज्य के बच्चों में विज्ञान की सोच को विकसित किया जा सके, इसके लिए राज्य के 98 स्कूलों के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। बता दें कि राज्य के इन 98 स्कूलों के द्वारा 754 विद्यालयों को गोद लिया गया है। दरअसल इन 98 स्कूलों में अटल टिकलिंग लैब खोला गया है। इस लैब की मदद से ही ये स्कूलें अपने गोद लिए गए स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना सिखाएगा, ताकि वे प्रैक्टिकल करना सीखकर अपने अंदर विज्ञान की सोच को विकसित कर सके। मालूम हो कि इन 754 विद्यालयों में कुल 1,50,800 छात्रों को प्रयोगशाला की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि अटल टिकलिंग लैब में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को प्रयोग सिखाया जाता है। वहीं इस लैब को खोलने के लिए नीति आयोग की ओर से 12 लाख रुपए तक की मदद दी गई है। इसके साथ इस लैब को रखरखाव को लेकर प्रत्येक वर्ष स्कूलों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और प्रयोग करने वाले शिक्षकों को 5,000 रुपए दिए जाते हैं। बिहार में औद्योगिक विकास में यह जिला अव्वल। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार के औद्योगिक विकास को लेकर फरवरी माह में की गई समीक्षा की रेटिंग जारी की गई, जिसके तहत बिहार का जो जिला औद्योगिक विकास में अव्वल रहा वह शिवहर है। बता दें कि शिवहर 70 अंकों के साथ टॉप पर बना है। वहीं दूसरे स्थान पर नालंदा और समस्तीपुर, तीसरे स्थान पर मुंगेर और चौथे स्थान पर किशनगंज रहा। वहीं इस रेटिंग के साथ बिहार का जो जिला सबसे अंतिम स्थान पर रहा वह जिला रोहतास है, जो 27 अंक लाकर सबसे निचले पायदान पर है। बता दें कि बिहार का जो भी जिला निचले पायदान पर रहा है, उन जिलों के महाप्रबंधकों और उद्योग विस्तार पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। बीपीएससी 68वीं के प्रश्नों पर दर्ज की गई आपत्ति को आयोग ने नहीं माना सही। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर 152 परीक्षार्थियों के द्वारा कुल 68 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन आयोग के द्वारा इन सभी प्रश्नों पर की गई आपत्ति को सही नहीं माना है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वेबसाइट पर जारी किए गए दूसरे प्रोविजनल आंसर की में उन प्रश्नों के पुराने आंसर को ही दोहराया है जो पहले प्रोविजनल आंसर की में दिया गया था। हालांकि आयोग के द्वारा इसकी वजह भी बताई गई है और इस संदर्भ में विशेषज्ञ समिति के द्वारा विचार करने के बाद प्रस्तुत तथ्यात्मक आधार और तर्क भी दिए गए हैं। इसके साथ ही आयोग के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके उत्तर को अंतिम रूप से आदर्श उत्तर घोषित किया गया है। बस ये काम करके सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में पाएं इलाज और दवा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके, इसके लिए कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत लोगों को मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध करवानी थी। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग मरीजों के रिकॉर्ड दुरुस्त करने को लेकर तैयारी कर रही है। अगर आपको भी राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज का लाभ उठाना है तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों के रिकॉर्ड को रखा जा सके और उसके आधार पर ही उन्हें निःशुल्क
निःशुल्क उपचार और दवाई उपलब्ध करवाया जा सके। वहीं अस्पताल कर्मियों के द्वारा इस मामले में लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 10 दिन बाद भी NMCH के लापता डॉक्टर की कोई खबर नहीं। बिहार की राजधानी पटना में IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा NMCH के डॉक्टर संजय कुमार की बरामदगी नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई गई है। बता दें कि 10 दिन के बाद भी अब तक पुलिस को लापता डॉक्टर को लेकर कोई खबर नहीं मिली है। वहीं डॉक्टर की बरामदगी की मांग को लेकर एसोसिएशन के सदस्य राज्य भर में अपने कार्यस्थल पर काला बैज लगाकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा रविवार को एसोसिएशन के अलावा प्रदर्शन को और भी तेज किया जाएगा। इस मामले को लेकर IMA सदस्य का कहना है कि प्रशासन को अब तक डॉक्टर की खोजबीन मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। इसके खिलाफ पूरा एसोसिएशन राज्य भर में अपने कार्यस्थल पर काला बैज लगाकर काम करेंगे, चाहे वे लोग सरकारी या फिर गैर सरकारी काम करें। बिहार में यहां बनेगा दूसरा चिड़ियाघर। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा अररिया के रानीगंज प्रखंड में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर को बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। बता दें कि इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को अगले सप्ताह तक मास्टर प्लान भेज दिया जाएगा। मालूम हो कि वर्ष 2020 में अगस्त महीने में स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस चिड़ियाघर को लेकर मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद यह प्रस्ताव सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा गया था, जहां से अथॉरिटी के द्वारा इस प्रस्ताव के बारे में जिन सवालों की जानकारी मांगी गई थी उसकी तैयारी विभाग के द्वारा पूरी कर ली गई है। मेरी जानकारी के अनुसार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर का इलाका करीब 289 एकड़ में फैला है। वहीं अब इसको लेकर तकनीकी बैठक की संभावना अगले महीने तक है। प्रवासी बिहारियों पर हमले के वीडियो को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पिछले कुछ दिनों से बिहार के गली गली में तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हिंसा को लेकर सरगर्मी बनी हुई है। बता दें कि अब इस मामले में हो रहे वीडियो वायरल को लेकर बिहार पुलिस के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस वीडियो को बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना स्थित बंगाली टोला स्थित किराए के मकान में शूट किया गया था। मालूम हो कि इस वीडियो में पट्टी बांधे दो लोगों को दिखाया गया है, जो कि BNR न्यूज हनी नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। इस वीडियो को पहले कांड के अभियुक्त मनीष कश्यप के द्वारा 8 मार्च ट्वीट किया गया था, जिसके बाद वीडियो को संदिग्ध पाकर EOU के द्वारा इसकी जांच की गई। इस दौरान वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति राकेश रंजन कुमार के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने दो लोगों की मदद से यह फर्जी वीडियो बनाया है। इस बात की जानकारी ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई है। ED रेड पर बोले लालू यादव। बीते दिनों रेलवे में जमीन के मामले में नौकरी देने के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम के द्वारा बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली में फ्रंट कॉलोनी में स्थित आवास और लालू यादव के नजदीकी कहे जाने वाले अबू दोजाना के पटना आवास पर, इसके अलावा लालू यादव की 3 बेटियों के आवास पर छापेमारी की गई। वहीं अब इस मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधु को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। ईडी की छापेमारी पर गुस्साए ललन सिंह ने कहा ये जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर ईडी के द्वारा लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवारों और करीबियों पर किए गए छापेमारी को लेकर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा है कि नौकरी के बदले जमीन मामले में CBI 2 बार जांच कर साक्ष्य नहीं जुटा पाई, लेकिन 9 अगस्त 2022 के बाद अचानक दिव्य शक्ति से उनको साक्ष्य मिलने लग गया और माननीय लालू प्रसाद जी एवं उनके परिजनों के यहाँ भारी छापेमारी हुई। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अरे भाई साक्ष्य नहीं भी मिला तो साक्ष्य दिखाने के लिए पालतू तोते कुछ भी कर सकते हैं। गाय का सिंह भैंस में और भैंस का सिंह गाय में जोड़ रहे हैं। अखबार कहता है कि AK इंफोसिस्टम के कारण छापा डाला गया है, जिसका नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खैर पालतू तोते अपने मालिक का निर्देश पाकर कुछ भी कर सकते हैं। अघोषित आपातकाल जो है, गर्भवती महिला और छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह का निर्मम आचरण देश में पहली बार हुआ है। देश इसको याद रखेगा। दमन चाहे जितना कर लो, 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा।
दबाव। एमएलसी चुनाव में वीआईपी ने बढ़ाई टेंशन। बिहार विधान परिषद की खाली पड़ी 5 सीटों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और महागठबंधन के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन अब मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के द्वारा भी एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया गया है, जिसने ऐसा माना जा रहा है कि वीआईपी ने महागठबंधन और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। बता दें कि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वीआईपी पार्टी से सारण स्नातक कोटे की सीट के लिए उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। बता दें कि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वीआईपी पार्टी से सारण स्नातक कोटे की सीट के लिए उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। मालूम हो कि सीट से वीआईपी पार्टी के समरेंद्र बहादुर को टिकट दिया गया है। बता दें कि बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव 31 मार्च को होना है। तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने होंगे पेश। एक तरफ जहां बीते दिन ईडी के द्वारा लगभग 16 घंटे तक बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई, तो वहीं अब तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश होने वाले हैं। दरअसल जांच एजेंसी के द्वारा तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी किया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई के द्वारा 4 मार्च को ही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर समन जारी किया गया था, लेकिन किसी कारण से वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हो पाए थे। वहीं अब एक बार फिर से सीबीआई के द्वारा उनके खिलाफ समन जारी किया गया है। आईपीएल के पहले मैच के टिकट की ऑनलाइन बिक्री शुरू। इंडियन प्रीमियर लीग 16वें सीजन के पहले मैच को लेकर टिकट की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। बता दें कि आईपीएल की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है, जिसमें सबसे पहला मैच गुजरात जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। मालूम हो कि यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर बात करें इस मैच के टिकट की कीमत के बारे में, तो टिकट की न्यूनतम कीमत ₹800 है, इसके बाद 1000, 1500 और 2000 का भी टिकट है। वहीं सबसे अधिक कीमत वाला टिकट ₹4500 का है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इन मैचों के लिए एक व्यक्ति अधिकतम 4 टिकट ही खरीद सकता है। टिकट बुक करने के लिए आप पेटीएम इनसाइडर या गुजरात टाइटंस की आधिकारिक वेबसाइट टाइटंस फैमिली ऐप पर जा सकते हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पवन सिंह, विपिन लाल वर्मा, सदुल्ला पलवी, मुटु रंगीला, रविशंकर, कुश कुमार यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, रमा शंकर जायसवाल, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, अवधेश कुमार, विवेकानंद सिंह, वेद प्रकाश सिंह, राम पुकार मांझी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार होने वाले एमएलसी चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।